नमस्कार मुकोयल एक्चुअली मु बहुत दिन धरी भावुली आपमी कनेक्ट हे देने थट कि बहुत दिन है आपने कथा भी तो कौन करपे सो आज गोटे भल दिन घरे बस भावी कौन करी मो मुंड गोटे आईडिया आसा कि भाई गुलाबजामुन बनाल तो भाई मुझे गुलाबजामुन बनईबी एट गोटे स्पेशल गोटे बाट आपँ कथ भी पारे सेयार भी करें आई नो गाइज आपने समस्ते जानते कमी गुलाबजामुन बना जाए बट इटा हूँ केमी टाइम पास करीटा जस्ट आपे मुझे सेयार करने को चाहिए नथिंग तो आसतु मुझे बनाऊँ से देखा कम स्पेशल गुलाबजामुन मुझे क्षीर टे जो इलायची बड़ इलायची आम बेंगली कहते बड़ इलायची एंड जो सुगर सिरप बनईबी तापी चीनी घी बेंगली लेखा देखु एंड अच्छी तेल व्हाइट ऑयल एंड पानी तो ऑब्वियसली सिरप पाई दरकार तो फिलहाल ये आउ गोटे जिनस मुझे पकईबी सीटा हो बहुत लोग गुलाबजामुन जो पाउडर से घर बन मैं प्रिपेयर करते मत रोष आसे ना तो मार्केट रू कि ऑन कली एंड जो पानी मुझे रखी से पानीटा भी मुझे पकईदे गरम हवा को देवी तो टे गरम हो जाए कौन करी चीनीटा दे जस्ट गोली दबा मुझे छोड़िया बहुत कथा तो ये मिक्स करदेव आगे नेक्स्ट जो ऐड करी से सुगर सिरप रे बड़ इलायची जो मैंने पकईदेवी से कौन हम बहुत बढ़िया स्मेल आस तो जो मैंने घर एटा तो घर समस्त थी आई एम श्योर बहुत इजी जिनस तो गोटे बड़ इलायच मुझे पकईदेवी ढाकी रखी तो मुझे जितेटा गुलाबजामुन बनईबी से परिमाण हिसाब से सुगर सिरप हो सारी आपण मैंने जितेटा बनईबे से हिसाब से सिरपटा को रखिए मुझे कोड़ीटा खंड बनईबी तो ताकि सिरप इनफ तो हो सारी मुझे ढाईदेवी नेक्स्ट हूँ मुझे जो पाउडर पाउडर टे कि रखी थी मार्केट रू ताकू मिक्स करवा क्षीर सांगे ढाईदेवी सो आपण मैंने देखिपे जे यहाँ पूरा पूरी अटा जमी आम करते रुटी जमी करते से गोटे डो बन नहीं कनसीस्टेन्सी भी जमती आ पर छोट छोट गोले बन हम सेमती ही रखे तो एमती हम एवं मुझ बनबी तो पूर्व मुझे हाथ में घी लगेदेवी सो गाइज मोर डो रेडी हो सारी एंड मुझे तेल अलरेडी देखिए कड़ाई से गरम हो सारी तो मुझे गोटे गोटे कर पकईबी ठीक ठाक कलर हो सारी एंड बिल्कुल लो आच रे मुझे लो फ्लेम करमी पोड़ जाबनी एंड भितरटा भी ठीक से हो तो गुलाबजामुन कलर आपण मैंने जानते या ही हुए तो एबे मु उठाई देवी
ସୋ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଲି, ମୁଁ ବାକି ଗୁଡ଼ା ପଛରେ କରୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ସୁଗର ସିରପ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କରେଇବେ। ମତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ସେମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି।